हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के डिमांड पर आपका 12th क्लास इंग्लिश का जो एक बुक है विस्टास के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है दी इनेमी का समरी मैं आपको पूरी हिंदी में समझाने जा रहा हूं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इलस्ट्रेट ऑल इन हिंदी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ आपको हिंदी में समझाने के लिए। एक्चुअली जैसा कि चैप्टर का नाम है दी इनेमी, दिस चैप्टर हैज बीन रिटेन बाय पर्ल एस बक। ये चैप्टर पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इट फोकसेस हाउ पीपुल कैन हेल्प इनेमीज ऑन ह्यूमन ग्राउंड। ये चैप्टर इस पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक व्यक्ति मानवीय आधार पर एक दुश्मन तक की मदद कर देते हैं। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं, टू हेट आवर इनेमी रेस इज नेचुरल एंड जस्टिफिएबल, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने दुश्मन से नफरत करना, खास करके युद्ध के समय में, नेचुरल है, प्राकृतिक है एंड जस्टिफिएबल है, उचित है। बट इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी, लेकिन इस स्टोरी में हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस स्टोरी ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स, ये कहानी सुंदर तरीके से चित्रित करता है हाउ अ ह्यूमन बीइंग राइजेस अबव नैरो प्रेजुडिसेस एंड हेल्प इन एमी रेस। कैसे एक व्यक्ति पक्षपात पूर्ण धारणा से ऊपर उठ जाता है और दुश्मन तक की मदद कर देता है। वी ऑल नो दैट वी मस्ट हेट आवर इनेमी चीफली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। हम सब जानते हैं कि खास करके युद्ध के समय में हम लोग को अवश्य अपने दुश्मन से नफरत करना चाहिए। इफ वी डोंट हेट आवर इनेमी वी विल बी कॉल्ड ट्रेटर। अगर हम अपनी दुश्मन से नफरत नहीं करते हैं तो हम गद्दार कहलाते हैं। बट इन दिस स्टोरी अ डॉक्टर राइजेज अबव नैरो प्रेजुडिसेस एंड ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी ही हेल्प्स द इनेमी रेस। एक डॉक्टर पक्षपात पूर्ण धारणा से ऊपर उठ जाता है और मानवता के आधार पर वो दुश्मन की मदद कर देता है। एक्चुअली दिस इज द चैप्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये चैप्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। यू मस्ट हैव हर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एंड जापान बोथ वेयर इनेमी ऑफ इच अदर। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान दोनों एक दूसरे के इनेमी थे, शत्रु थे। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन अमेरिका हैड ड्रॉप एटम बम ऑन टू सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया था। बट वन जापानीज डॉक्टर नेम डॉक्टर सैडो हॉकी, एक जापानी डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर सैडो हॉकी है, ही राइजेस अबव नैरो प्रेजुडिसेस, वह पक्षपात पूर्ण धारणा से ऊपर उठता है एंड ही हेल्प्स द इनेमी रेस, और दुश्मन जात तक की मदद कर देता है। देखिए स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। डॉक्टर सैडो हॉकी वाज अ फेमस सर्जन ऑफ जापान। डॉक्टर सैडो हॉकी जो जापान के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। उनका घर जापान के समुद्र के तट पर स्थित था। बट ही हैड गॉट एजुकेशन ऑफ मेडिकल इन अमेरिका।
उन्होंने मेडिकल की शिक्षा अमेरिका में पाया था। ड्यूरिंग हिज एजुकेशन ही केम अक्रॉस अ लेडी नेम हाना। अपनी शिक्षा के दौरान उनकी अचानक से एक महिला से मुलाकात हो गई जिनका नाम हाना था। इन द वेरी रियल सेंस हाना वॉज ऑल्सो जापानीज एंड सी यूज टू लिव इन अमेरिका। सही मायने में हाना भी एक जापानीज थी और वो अमेरिका में रहा करती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन बोथ मैरिड ईच अदर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी किया एंड दे केम बैक टू जापान और वे जापान वापस लौट गए। एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, द हाउस ऑफ डॉक्टर सैडो वॉज सिचुएटेड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर सैडो का घर जापान के समुद्र के तट पर स्थित था। ही यूजुअली ट्रेवल अलोंग द बीच। वो अक्सर समुद्र के तट पर टहला करते थे, यात्रा किया करते थे। देयर वॉज अ ट्री जस्ट बिसाइड द बीच। ही सैट अंडर द ट्री ऑन वुडन बेंच एंड टॉक लविंगली विद हाना। वहां पे एक पेड़ था समुद्र के किनारे, वो अक्सर उस पेड़ के नीचे लकड़ी के बेंच पर बैठ जाया करते थे और हाना के साथ घंटों प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग ही वॉज सिटिंग आउटसाइड ऑफ हिज हाउस नियर द बीच। एक सुबह सुबह की बात है, वो अपने घर से बाहर समुद्र के तट पर बैठे हुए थे। देन सडनली ही सॉ समथिंग फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ समुद्र से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बोथ डॉक्टर सैडो एंड हिज वाइफ हाना बोथ वेयर सिटिंग नियर द बीच। डॉक्टर सैडो और हाना दोनों समुद्र के तट पर बैठे हुए थे, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। सडनली दे सॉ, अचानक उन लोगों ने देखा, समथिंग केम आउट ऑफ ओशियन, कुछ समुद्र से बाहर आया। बोथ रैन टुवर्ड्स इट। दोनों उसकी तरफ दौड़े। व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो लोग वहां पहुंचे, दे सॉ He was an enemy soldier. He was an American soldier. उन लोगों ने देखा वह एक दुश्मन सैनिक था, वह एक अमेरिका का सैनिक था। He was war prisoner. वो युद्ध बंदी था। Who had escaped from the jail of Japan. जो जापान की जेल से फरार हुआ था। Now they both were in dilemma. दोनों दुविधा में पड़ गए। Because he was an enemy soldier, वह एक दुश्मन सैनिक था, and he was badly wounded, और वह बुरी तरह से जख्मी था। Lay unconscious, वो अचेत होकर लेटा हुआ था। Lay unconscious, वो अचेत होकर लेटा हुआ था। As citizen, having sense of national loyalty, राष्ट्र के प्रति वफादारी वाला नागरिक होने के नाते, They felt their duty to push the man back into the ocean. दोनों ने अपना कर्तव्य समझा उस आदमी को समुद्र में धक्का मार देने के लिए। Because he was an enemy soldier, क्योंकि वह दुश्मन सैनिक था। Both decided to push the man back into the ocean. दोनों ने निर्णय ले लिया उस आदमी को समुद्र में धक्का मार देने के लिए। But Being doctor, doctor होने के नाते, doctor Sado rose above narrow prejudices. Doctor Sado पक्षपात पूर्ण धारणा से ऊपर उठ गए। And he decided to help the enemy soldier. और उन्होंने दुश्मन सैनिक की मदद करने का निर्णय ले लिया। Because it is the duty of doctor
टू हेल्प एनी पेशेंट विदाउट नोइंग द नेशनैलिटी, कास्ट, कलर एंड क्रीड. क्योंकि एक डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है मानवता के नाते, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, वर्ण जाने बिना, टू हेल्प द पेशेंट. इट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर. मरीज की मदद करना ये डॉक्टर की कर्तव्य होता है. जस्ट यू कंटेम्पलेट फॉर ए वाइल, आप थोड़ी देर के लिए चिंतन कीजिए. बिफोर डूइंग ट्रीटमेंट, इफ अ डॉक्टर स्टार्ट आस्किंग व्हाट्स योर नेशनलिटी, व्हाट्स योर कलर, व्हाट्स योर कास्ट, व्हाट्स योर क्रीड, व्हाट्स योर रिलीजन, देन व्हाट विल रिमेन. एक डॉक्टर अगर इलाज करने से पहले यह पूछना शुरू कर दे कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी वर्ण क्या है, आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है, तो फिर क्या कुछ बच जाएगा. सो बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सैडो थॉट इट वॉज हिज ड्यूटी टू हेल्प द इनेमी सोल्जर. डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सैडो ने सोचा ये उनका कर्तव्य था दुश्मन सैनिक की मदद करना. एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प द इनेमी सोल्जर. और उन्होंने निर्णय ले लिया दुश्मन सैनिक की मदद करने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, वाइफ ऑफ डॉक्टर सैडो नेम हाना रिफ्यूज्ड ब्लैंकली टू हेल्प द इनेमी सोल्जर. दूसरी तरफ डॉक्टर सैडो की जो वाइफ थी हाना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया उस दुश्मन सैनिक की मदद करने से. नाउ डॉक्टर सैडो वॉज इन डायलेमा, व्हाट टू डू, नॉट टू डू. अब डॉक्टर सैडो दुविधा में पड़ गए कि क्या करें क्या ना करें. बट इवन दो नेवरदलेस, तो पर भी, इसके बावजूद डॉक्टर सैडो डिसाइडेड टू ब्रिंग द मैन इन हिज हाउस. ही डिसाइडेड टू सर्व द इनेमी सोल्जर. इसके बावजूद डॉक्टर सैडो ने निर्णय ले लिया उस आदमी को घर में लाने के लिए. उन्होंने निर्णय ले लिया उस दुश्मन सैनिक की सेवा करने के लिए. नाउ डॉक्टर सैडो एलोन ब्राउट द मैन इन हिज हाउस. डॉक्टर सैडो ने अकेला उस आदमी को अपने घर में लाया. When he brought the enemy soldier in his house, the domestic servant of Dr. Sado also refused blankly to help him. जब Dr. Sado ने उस दुश्मन सैनिक को अपने घर में लाया, तो Dr. Sado के जो घरेलू नौकर थे, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया उनकी मदद करने से. Even domestic staff left their job, left their duty, stop coming in the house of Dr. Sado. यहां तक कि जो उनके domestic staff थे, उनके जो घरेलू नौकर थे, उन्होंने Dr. Sado के घर में आना छोड़ दिया. They clearly said to Dr. Sado, they will not help to enemy soldier. उन लोगों ने Dr. Sado से साफ साफ कह दिया कि वे दुश्मन सैनिक की मदद नहीं करेंगे. Because he was an enemy soldier, क्योंकि वह दुश्मन सैनिक था. Nevertheless, इसके बावजूद डॉक्टर सैडो एलोन स्टार्टेड ट्रीटमेंट. डॉक्टर सैडो ने अकेला ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड वॉशिंग द enemy soldier. उन्होंने दुश्मन सैनिक को धोना पोछना शुरू कर दिया. When wife of Dr. Sado, Hannah, saw that Dr. Sado started treatment alone, she also thought it was her duty to cooperate his husband. जब Dr. Sado की पत्नी Hannah ने देखा कि Dr. Sado अकेला उस दुश्मन सैनिक का इलाज करना और उसे धोना शुरू कर दिया, तो Hannah ने सोचा कि उनका कर्तव्य है उनकी हस्बैंड की काम में मदद करना. हाना ऑल्सो स्टार्टेड कॉपरेटिंग डॉक्टर सैडो.
हाना ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग डॉक्टर सैडो. हाना ने भी डॉक्टर सैडो की मदद करना शुरू कर दिया बिकॉज हाना वॉज डिवोटेड टू हस्बैंड, क्योंकि हाना जो थी पतिव्रता थी. सी थॉट इट वॉज हर ड्यूटी टू हेल्प हर हस्बैंड. उसने सोचा कि ये उसका कर्तव्य है उसकी हस्बैंड की हेल्प करना, मदद करना. दैट्स वाई सी स्टार्टेड हेल्पिंग डॉक्टर सैडो. इसीलिए उसने डॉक्टर सैडो की मदद करना शुरू कर दिया. नाउ यू विल हैव टू नोट स्टूडेंट. अब आपको यहां पे नोट करना है स्टूडेंट. एट फर्स्ट हाना रिफ्यूज्ड ब्लैंकली टू हेल्प द इनेमी सोल्जर, बट लेटर सी हेल्प्ड. यहां आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हाना ने दुश्मन सैनिक की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में हाना ने डॉक्टर सैडो की मदद किया, यानी दुश्मन सैनिक की भी सहायता किया उसने. क्यों किया? बिकॉज शी थॉट इट वॉज हर ड्यूटी टू हेल्प हस्बैंड, क्योंकि उसने सोचा यह उसका काम है उसके हस्बैंड की सेवा करना. एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने बताया, डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ डॉक्टर सैडो लेफ्ट देयर जॉब एंड स्टॉप कमिंग इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सैडो. जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर सैडो के जो घरेलू नौकर थे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और डॉक्टर सैडो के घर में आना बंद कर दिया. नाउ डॉक्टर सैडो रियलाइज द रिस्क टू बी टेकन इन हार्बरिंग एन इनेमी सोल्जर. अब डॉक्टर सैडो ने एक खतरे का अनुभव किया, एक दुश्मन सैनिक को शरण देने का खतरा. बिकॉज डोमेस्टिक सर्वेंट कुड इन्फॉर्म टू द जनरल ऑफ जापानीज आर्मी, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट जो थे वो जापान के आर्मी के जनरल को सूचना दे सकते थे. डॉक्टर सैडो कुड बी अरेस्टेड. डॉक्टर सैडो अरेस्ट किए जा सकते थे, गिरफ्तार किए जा सकते थे. बट डॉक्टर सैडो न्यू, डॉक्टर सैडो जानते थे, ही विल नॉट बी कंडेम्ड और ही विल नॉट बी अरेस्टेड और ही विल नॉट बी सेंट बिहाइंड द बार बाय द रथलेस जनरल ऑफ जापानीज आर्मी. डॉक्टर सैडो जानते थे कि उनकी आलोचना नहीं की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जापान के आर्मी के क्रूर जनरल के द्वारा उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? बिकॉज जनरल ऑफ जापानीज आर्मी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, क्योंकि जापान के आर्मी के जो जनरल थे वो ब्लड कैंसर से ग्रसित थे. एंड इन इंटायर जापान, पूरे जापान में एक्सेप्ट डॉक्टर सैडो, नोबडी कुड डू द ऑपरेशन ऑफ रथलेस जनरल. पूरे जापान में उस क्रूर जनरल का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता था एक्सेप्ट डॉक्टर सैडो, डॉक्टर सैडो को छोड़कर. मींस जनरल ऑफ जापानीज आर्मी वाज आल्सो द पेशेंट ऑफ डॉक्टर सैडो, यानी जापान की आर्मी का जो जनरल था वो भी डॉक्टर सैडो का ही मरीज था. तो डॉक्टर सैडो न्यू, डॉक्टर सैडो जानते थे, इफ ही विल बी अरेस्टेड, इफ ही विल बी सेंट बिहाइंड द बार, देन जनरल ऑफ जापानीज सोल्जर विल ऑल्सो पास अवे. डॉक्टर सैडो जानते थे कि अगर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, अगर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, तो जापान की आर्मी के जो जनरल हैं वो भी गुजरेंगे, वो भी मरेंगे. बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द पेशेंट ऑफ डॉक्टर सैडो, क्योंकि वो डॉक्टर सैडो का ही पेशेंट था, वो डॉक्टर सैडो का ही मरीज था. मीनवाइल इसी बीच दूसरी ओर डॉक्टर सैडो स्टार्टेड ट्रीटमेंट. डॉक्टर सैडो ने इलाज शुरू कर दिया. डॉक्टर सैडो स्टार्टेड ट्रीटमेंट ऑफ इनेमी सोल्जर. डॉक्टर सैडो ने उस दुश्मन सैनिक की इलाज शुरू कर दिया. हाना एंड डॉक्टर सैडो बोथ लुक्ड आफ्टर द इनेमी सोल्जर. हाना और डॉक्टर सैडो दोनों ने उस दुश्मन सैनिक की देखरेख किया. इवन दे फेड विथ देयर ओन हैंड, यहां तक कि वे अपने हाथों से उसे खिलाए.
एंड बोथ लुक्ड आफ्टर द एनिमी सोल्जर, और दोनों ने दुश्मन सैनिक की देखरेख किया. नाउ व्हेन एनिमी सोल्जर रिकवर्ड इंटायरली, जब दुश्मन सैनिक पूरी तरह से चंगा हो गया, ही डेवलप्ड अफेक्शन विद द फैमिली विद द डॉक्टर सैडो एंड हाना. उसकी डॉक्टर सैडो और हाना के साथ एक स्नेह विकसित हो गया. ही रिफ्यूज्ड ब्लैंकली टू लीव द हाउस, उसने साफ इनकार कर दिया घर को छोड़ने से. बिकॉज एनिमी सोल्जर न्यू, क्योंकि दुश्मन सैनिक जानता था, डॉक्टर सैडो सेव्ड हिज लाइफ, ही विल नॉट सरेंडर हिम टू द आर्मी. वो दुश्मन सैनिक जानता था कि डॉक्टर सैडो सेव्ड हिज लाइफ, डॉक्टर सैडो ने उसकी जान बचाया, डॉक्टर सैडो विल नॉट सरेंडर हिम टू आर्मी. डॉक्टर सैडो उसे आर्मी को नहीं सौंपेंगे. सो ही डिडेंट वॉन्ट टू फ्ली अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ डॉक्टर सैडो. वो डॉक्टर सैडो के घर से भागना ही नहीं चाहता था. ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ सेफ इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सैडो. वो जो इनेमी सोल्जर था अपने आप को डॉक्टर सैडो के घर में बड़ा सुरक्षित महसूस करता था. नाउ डॉक्टर सैडो वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ इनेमी सोल्जर. डॉक्टर सैडो उस दुश्मन सैनिक से छुटकारा पाना चाहते थे. नाउ वेन इनेमी सोल्जर रिकवर्ड इंटायरली, जब वो दुश्मन सैनिक पूरी तरह से चंगा हो गया, डॉक्टर सैडो हेल्प्ड हिम टू फ्ली अवे फ्रॉम हिज हाउस. डॉक्टर सैडो ने उसकी मदद किया अपने घर से भागने में. डॉक्टर सैडो गेव हिम बोट, क्लॉथ, फूड एंड वाटर. डॉक्टर सैडो ने उसे बोट दिया, उसे नाव दे दिया, उसे क्लॉथ दे दिया, कपड़ा दे दिया, फूड भोजन दे दिया, पानी दे दिया, और उसे घर से भागने में मदद किया. नाउ दिस स्टोरी क्लियरली डिपिक्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन वैल्यू. अब ये कहानी पूरी तरह से मानव मूल्य की श्रेष्ठता को दर्शाता है. That humanity is all in all above the sectarian national interest. कोई भी सांप्रदायिक और राष्ट्रीय भावना से ऊपर मानवता होती है. At first we are human being. Then we are from different religion, different nation और caste और color. सबसे पहले हम एक मानव हैं, तब हम दूसरे अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जात के हैं, अलग अलग राष्ट्र के हैं. सो इन दिस स्टोरी बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सैडो हेल्प द इनेमी. इस कहानी में डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सैडो ने दुश्मन की मदद किया. अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, आई माई सेल्फ थिंक, मैं स्वयं ऐसा सोचता हूं, डॉक्टर सैडो शुड have helped the enemy soldier because he was unconscious. But after that, he should have informed the general. मेरा ये मानना है कि डॉक्टर सैडो को उस दुश्मन सैनिक की मदद करना चाहिए था, क्योंकि वह अचेत था, unconscious था, बेहोश था, लेकिन उसके बाद उनको जनरल को सूचित करना चाहिए था. I think so. ये मैं मानता हूँ ऐसा. He should not help the enemy soldier to flee away from the house. बिकॉज ही वॉज वार प्रिजनर. उन्हें दुश्मन सैनिक को अपने घर से नहीं भगाना चाहिए था, क्योंकि वह युद्धबंदी था. बट डॉक्टर सैडो डिड सो. डॉक्टर सैडो ने ऐसा किया. यू नो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड, आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, समटाइम्स वी फेस सच ए मोमेंट इन आवर लाइफ. कभी कभी हम जीवन में ऐसा क्षण का सामना करते हैं. वी हैव टू सेलेक्ट आइदर ऑफ टू. हमें दो में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है. आइदर विल हैव टू सेलेक्ट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयलिटी टुवर्ड्स द नेशन.
अपनी जिम्मेवारी, खुद की जिम्मेवारी या फिर राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी, विल हैव टू सेलेक्ट आइदर ऑफ टू। नाउ हियर डॉक्टर सैडो, बी अ डॉक्टर, ही डिड एज अ डॉक्टर शुड हैव डन। यहां पे डॉक्टर सैडो डॉक्टर होने के नाते उन्होंने वही किया जो डॉक्टर को करना चाहिए था। तो इस स्टोरी में हम यही देखने जा रहे हैं और इस स्टोरी में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एक दुश्मन की एक डॉक्टर ने अपने घर में रखकर सेवा किया और उनकी मदद किया। जैसा कि 11th क्लास का जो बुक था आपका स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट में भी आपको एक चैप्टर मिला था द बर्थ। द बर्थ में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल के बाहर एक इन्फेंट, एक नवजात शिशु की मदद किया गया था एक डॉक्टर के द्वारा। और इस चैप्टर में भी हॉस्पिटल के बाहर एक दुश्मन सैनिक की मदद किया गया एक डॉक्टर के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। लिसन दिस समरी ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे उम्मीद है आपने कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब आप इस समरी को बार बार सुनिए एंड देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।